आप लोग क्लाइंट से क्वेश्चन पूछो, क्लाइंट आंसर कुछ देगा। जैसे क्या क्लाइंट ने हेना तो नहीं लगा रखी, अगर हेना लगा रही है तो कितने सालों से लगा रही है, उससे आप उस चीज से आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट को एक्चुअली में क्या कलर सजेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सपोज अगर आप ब्लीच कर रहे हो बालों में, पीलाइटिंग यूज कर रहे हो, या फिर ब्लीच कर रहे हो, ब्लाउंडर ब्लीच कर रहे हो, ठीक है, या फिर ब्लाउंडर कर रहे हो, सबका नाम एक ही है, कोई आर्च यूज करता है, कोई मेल्ट करता है, कोई बैरी मेल्ट करता है, कोई मिक्सी रेशो 2:1 रखता है, कोई 1:2 रखता है, कोई 1:1 रखता है। ठीक है, जैसे कि मैं 1:1 रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरे को कलर जो है फास्ट चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है कलर करने के लिए, मतलब इसमें बाल ड्राई एंड डैमेज हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं ना कोशिश करो 20 वॉल्यूम से ही काम करने के लिए, 40 वॉल्यूम को जब भी हाथ लगाओ जब आपके पास क्लाइंट डाई कलर वाले बाल आ रहा है। ठीक है, अगर डाई कलर वाले बाल नहीं आ रहे हैं उनको फैशन शेड चाहिए तो डायरेक्ट कर दो 40 वॉल्यूम से 30 वॉल्यूम से डायरेक्ट कर दो, आ जाएगा रिजल्ट। क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्लाइंट के जो बाल है वो बाल पहले बेस चेक करो, बाल कितने नंबर के हैं, क्लाइंट के बाल अब जैसे इनके हैं, इनके 4 नंबर के बाल थे, ठीक है, इन्होंने कोई बेस चेंज नहीं ले रखा था, कोई कुछ नहीं लगा रखा था, सिर्फ नॉर्मल सी नीचे एंड्स में हाइलाइटिंग हो रखी थी। अकीना अगर आपको समझ में नहीं आई वीडियो, समझ में नहीं आ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप रिपीट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप सही समझोगे तो इस वीडियो को देखने के अलावा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ मैंने भी वीडियो से सीखा, मैंने कभी कोर्स नहीं किया गाइस, मैंने वीडियो को देखा, वीडियो को समझा, वीडियो से सीखा, वीडियो से ही आज कमा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि वीडियो से सीखो और ज़्यादा कोर्स वोर्स के पीछे मत भागो, पैसा वेस्ट मत करो अपने मम्मी पापा को, कि आप लोग भी बहुत मेहनत से कमा रहे हो, अगर आप डिपेंडेंट हो, इनडिपेंडेंट हो, किसी पे बोझ नहीं हो, आप कमा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो तो कमाने के लिए निकल रहे हो, वो पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि वो पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग कुछ अच्छा चीज़ें ले सकते हो उससे, उस चीज़ उस पैसे से। ठीक है, पैसा वेस्ट मत करो और कोर्स के पीछे मत भागो, कोर्स के पीछे भागना चूतिया बनती है, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है एग्जैक्ट वही हो रहा है, वही हो रहा है जो कोर्स में बताया जा रहा है वीडियो के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कीजिए, जो भी सीखना है, जो भी समझना चाहते हो वीडियो से समझ सकते हो। तो हमारी ऑलमोस्ट हो चुका है सेक्शन। ठीक है गाइस, अब मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि आप जब आप कलर कर रहे हो, ठीक है, कम कम सेक्शन में कलर करना, और मैं इधर डायरेक्ट धूप के पास से एप्लीकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इवन कलर चाहिए, और मेरे को ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं चाहिए था, एक लेवल लिफ्ट चाहिए था बस, इनको ब्राउन की टोन देनी थी और वर्जन हेयर थे, तो वर्जन हेयर में हेयर है आपके पास तो आप इस पर डायरेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम और कोई रिक्स नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग वर्जन हेयर में काम, ठीक है, वर्जिन हेयर पे काम कर रहे हो, नेट काम कर रहे हो, क्लीन काम कर रहे हो, क्लाइंट के फेस पे कलर नहीं लग रहा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना इसके अंदर, मैं जब कलर ले रहा हूँ, मैंने अपनी कॉपर वाली वीडियो पे भी जिस पे 5.4 कलर किया है कॉपर, मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो डाल दिए मैंने, ठीक है, आप वो देखना, समझना उस वीडियो को, कि उसमें जो कलर है, उसकी जो कलर की एप्लीकेशन है उसमें मैंने 1 इंच छोड़ा है, 1 इंच क्यों छोड़ा है, किसने छोड़ा है, उसको मैं बता रखा उस वीडियो में, आप जाके विजिट करना, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ऊपर आई बटन भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके आई बटन भी दे सकते हो, और थंबनेल भी मैंने एंड स्क्रिप्ट मिल जाएगा आपको, आप एड पर जाकर देख सकते हो कि दो आपके पास आइकन आएंगे, उसमें से वीडियो वो होगी, और क्लिक करना उस वीडियो को, समझना और काम करना गाइस, काम ऐसे करना कि क्लाइंट तुम्हारे पास दोबारा से आए, क्लाइंट दोबारा जाए ना, क्लाइंट को यही लगे कि मेरे को इसी बंदे से काम करवाना है और मेरे को किसी बंदे से काम नहीं करवाना है, आपका नाम लेकर आए क्लाइंट। मैं साफ सीधा एक बात बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, जो कि सबसे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा अच्छा खासा, सब लोग बोलते हैं अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, ठीक है, तो कोशिश करना उसको 200 रुपये का काम करके दो, जब भी आपको वापस ला कर देगा, ठीक है, यही कोशिश करना कि 200 का जो जिसके अंदर जज्बा है कर सकता है, तो कोशिश करना क्लाइंट को 100% देने के लिए, क्लाइंट अपने आप खुश होगा, अपने आप आएगा, अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, यही तरीका है कि आप लगे रहो स्ट्रगल में और सीखते रहो गाइस,
सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बंद मत करना, ठीक है। आज के लोग क्या है, आजकल के लोग जो है वो सीखना चाहते नहीं है कि ट्यूटोरियल वीडियो देखने के, सीखना चाहते नहीं है। पे करो सीखो, बट पे मत करो। अभी मैं यही बोलूँगा कि पे मत करो गाइस, किसी भी चीज़ के लिए भी पे मत करो। क्यों? क्योंकि मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैंने कभी पे नहीं किया। मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ लर्न किया, जो कुछ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने वीडियो से सीखा, वीडियो को समझा, वीडियो से जाना, वीडियो को समझा और बताया वीडियो में कि काम क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आज हम यूट्यूब से भी कमा रहे हैं अच्छा खासा, और क्लाइंट से भी कमा रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं और बहुत सारे पेजेस हैं रन कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है ये, ठीक है, आप कर सकते हो। और बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि कोई माँ के पैर से सीख के नहीं आता, हर किसी को यहीं पे सीखना होता है। और मैं बताना चाहूँगा, ये वर्जन एप्लीकेशन जो होती है, वो जो बेस कलर जो होता है रूट से लेकर एंड तक, एक ही करो, ठीक है। जो वर्जन की एप्लीकेशन कर रहे हो आप, जैसे आपको फैशन शीट चाहिए तो आप उसको दो बार एप्लीकेशन कर सकते हो, जैसे कि 15 मिनट लैंड पे छोड़ दिया, फिर 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आपने 20 मिनट बाद रूट पे लगा दिया 20 वॉल्यूम से, 30 और 40 वॉल्यूम जो होगा उसे ब्लैंक पे लगेगा। रूट के पास मत लगाना वरना बर्निंग सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस, वरना बर्निंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा और इतना जलेगा ब्लैंक 30 फाइट नहीं हो पाएगा, आपकी करेगा स्टेप के बाद, ठीक है। और अगर क्लाइंट को रूट, अगर क्लाइंट को सपोर्ट किसी क्लाइंट को सीन होता है या फिर आपको रूट्स ड्राई हैं, उनके पूछ लेना क्लाइंट को या फिर देख लेना आप लोग कि रूट्स ड्राई ना हो, वरना 20 वॉल्यूम से बीचिंग होती है। अगर रूट्स ड्राई हैं तो रूट्स को कोशिश करना ज़्यादा मत सिखाओ, ठीक है, 20% या फिर 30% बैटर रहने देना, मॉइस्चर रहने देना उसके अंदर, क्योंकि फिर रूट के पास जब कलर लगेगा ना, वहाँ पर ज़्यादा इचिंग नहीं होगी, ज़्यादा जलेगा नहीं क्लाइंट को, क्लाइंट बोलेगा नहीं क्या हो रहा है मेरे सर पे, चल क्यों रहा है, इचिंग क्यों हो रही है, पहली बार हो रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, बोलेगा नहीं, आपको वो कमी महसूस करने देने ही नहीं, ठीक है। आप जब भी आपके पास क्लाइंट एंट्री करे तो कोशिश यही करना गाइस कि अपना 100% अपना आप लोग 100% ही देना, ठीक है। 100% आप दोगे ना तो क्लाइंट बहुत खुश होकर जाएगा, आपका नाम लेकर आएगा कि हाँ भाई मेरे को इसी बंदे से काम करवाना है, मेरे को इसी बंदे से काम कराना है, मेरे को और किसी से करवाना नहीं चाहता मैं, ठीक है। उसी चीज में मजा है, उसी चीज में कहते मजा है भाई। तो आप जहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो लाइक करना, शेयर करना और नीड और क्लिक सेक्शन में काम करना और नीड और एप्रेन पहन लेना, एप्रेन पहन के काम करना अगर आप प्रेशर हो तो। और मैं ब्लू ड्रायर के पर वीडियो लेने लाने वाला हूँ कि गर्ल्स आउट बिग ग्राउंड प्रेशर कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल राउंड प्रेशर कैसे करते हैं, या फिर अगर आप सबसे स्मॉल ब्रश से गर्ल्स देखना चाहते हो तो ये भी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। सो अब आफ्टर का रिजल्ट आने वाला है गाइस, ये मैंने पूरा ग्लोबल कलर कर दिया है, मैंने बांध दिए बालों को, टाया कर दिया है और ये क्लाइंट को देखो फेस पर नहीं लगा, कान के ऊपर भी लगा कलर, समझ लो ना गाइस, ऐसा काम करना है आपको। ये मैंने वॉश कर दिया, आप देखो गाइस कितना अमेजिंग कलर आया है और बालों में कितनी शाइन आई है। ये मैंने सिर्फ सुखाया है, स्ट्रेट ड्रायर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुखाया है, सिर्फ सुखाया गाइस, और कंडीशन किया है, वॉश किया, सिर्फ सुखाया ड्रायर से, स्ट्रेट ड्रायर बिल्कुल भी नहीं किया, और शाइन देख सकते हो कितनी अमेजिंग शाइन आई है। एंड ऐसे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, बताना कैसी लगी वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे। आप लोग क्लाइंट से क्वेश्चन पूछो, क्लाइंट आंसर कुछ देगा, जैसे कि क्लाइंट ने हेना तो नहीं लगा रखी, अगर हेना लगा रही है तो कितने सालों से लगा रही है, उनसे आप उस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट को एक्चुअली में क्या कलर सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोज अगर आप ब्लीच कर रहे हो बालों में, हाइलाइटिंग यूज़ कर रहे हो, या फिर ब्लीच कर रहे हो, ब्लाउंडर ब्लीच कर रहे हो, ठीक है, या फिर ब्लाउंडर कर रहे हो, सबका नाम एक ही है, आज यूज़ करता है, कोई मेल्ट करता है, कोई वेरी मेल्ट करता है, कोई मिक्सी रखो 2:1 रखता है, 1:2 रखता है, कोई 1:1, ठीक है। जैसे कि मैं 1:1 रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरे को कलर जो है फास्ट चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है कलर करने के लिए, मतलब इसमें बाल ड्राई एंड डैमेज हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं ना तो कोशिश करो 20 वॉल्यूम से ही काम करने के लिए, 40 वॉल्यूम को जब भी हाथ लगाओ
जब आपके पास क्लाइंट डाई कलर वाले बाल ला रहा है, ठीक है। अगर डाई कलर वाले बाल नहीं आ रहे हैं, उनको फैशन सेट चाहिए तो डायरेक्ट कर दो 40 वॉल्यूम से 30 वॉल्यूम से डायरेक्ट कर दो, आ जाएगा रिजल्ट। क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्लाइंट के जो बाल है वो बाल पहले बेस चेक करो, बाल कितने नंबर के हैं। क्लाइंट के बाल अब जैसे इनके हैं, इनके 4 नंबर के बाल थे, ठीक है। इन्होंने कोई बेस चेज नहीं ले रखा था, कोई कुछ नहीं रखा रखा था, सिर्फ नॉर्मल से नीचे एंड में हाइलाइटिंग हो रखी थी। अकीन ना, अगर आपको समझ में नहीं आई वीडियो, समझ में नहीं आ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप रिपीट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप सही समझोगे तो इस वीडियो को देखने के अलावा और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप मैंने भी वीडियो से सीखा, मैंने कभी कोर्स नहीं किया गाइस, मैंने वीडियो को देखा, वीडियो को समझा, वीडियो से सीखा, वीडियो से ही आज कमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि वीडियो से सीखो और ज़्यादा कोर्स वोर्स के पीछे मत भागो, पैसा वेस्ट मत करो अपने मम्मी पापा को, कि आप लोग भी बहुत मेहनत से कमा रहे हो। अगर आप डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी से बोझ नहीं हो, आप कमा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो तो कमाने के लिए निकल रहे हो, वो पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि वो पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग कुछ अच्छा चीज़ें ले सकते हो उस चीज़ उस पैसे से, ठीक है। पैसा वेस्ट मत करो और कोर्स के पीछे मत भागो, कोर्स के पीछे भागना चूतिया बनती है। जो वीडियो में दिखाया जा रहा है एग्जैक्ट वही हो रहा है, वही हो रहा है जो कोर्स में बताया जा रहा है वीडियो के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कीजिए, जो भी सीखना है, जो भी समझना चाहते हो वीडियो से समझ सकते हो। तो हमारी ऑलमोस्ट हो चुका है सेक्शन, ठीक है गाइस। अब मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि आप जब आप कलर कर रहे हो, ठीक है, कम सेक्शन में कलर करना। और मैं इस डार्क ब्लू के पास से एप्लीकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इवन कलर चाहिए और मेरे को ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं चाहिए था, एक लेवल लिफ्ट चाहिए था बस, उनको ब्राउन की टोन देने थी और वर्जन हेयर थे, तो वर्जन हेयर में हेयर है आपके पास तो आप इस पर डायरेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम और कोई रिक्स नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम देखेगी रिक्स भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग वर्जन हेयर का काम, ठीक है, वर्जिन हेयर पे काम कर रहे हो, नेट काम कर रहे हो, क्लीन काम कर रहे हो, क्लाइंट के फेस पे कलर नहीं लग रहा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना इसके अंदर, मैं जब कलर ले रहा हूँ, मैंने अपनी कॉपर वाली वीडियो पे भी जिस पे 5.4 कलर किया है कॉपर, मैंने सेक्शन वीडियो डाल दिए मैंने, ठीक है, आप वो देखना, समझ रहा उस वीडियो को, कि उसमें जो कलर है, उसकी जो कलर की एप्लीकेशन है उसमें मैंने 1 इंच छोड़ा है। 1 इंच क्यों छोड़ा है, किसने छोड़ा है, उसको मैं बता रखा उस वीडियो में, आप जाके विजिट करना और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके आई बटन बटन भी दे सकते हो और थंबनेल भी मैंने एंड स्क्रिप्ट मिल जाएगा आपको, आप एंड पे जाकर देख सकते हो कि दो आपके पास आइकन आएंगे, उसमें से वीडियो वो होगी और क्लिक करना उस वीडियो को, समझना और काम करना गाइस, काम ऐसे करना कि क्लाइंट तुम्हारे पास दोबारा से आए, क्लाइंट दोबारा जाए ना, क्लाइंट को यही लगे कि मेरे को इसी बंदे से काम करवाना है और मेरे को किसी बंदे से काम नहीं करवाना है, आपका नाम लेकर आए क्लाइंट। मैं साफ सीधा एक बात बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा अच्छा खासा, सब लोग बोलते हैं अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, ठीक है, तो कोशिश करना उसको 200 रुपये का काम करके दो, जब भी आपको काम वापस ला कर देगा, ठीक है, यही कोशिश करना कि दोस्तों को जो जिसके अंदर जज्बा है कर सकता है तो कोशिश करना क्लाइंट को 100% देने के लिए, क्लाइंट अपने आप खुश होगा, अपने आप आएगा आपको, अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, यही तरीका है कि आप लगे रहो स्ट्रगल में और सीखते रहो गाइस, सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना बंद मत करना, ठीक है। आज के लोग क्या है, आजकल के लोग जो है वो सीखना चाहते नहीं है, कि ट्यूटोरियल वीडियो देखने के सीखना चाहती नहीं है, पे करो सीखो, बट पे मत करो, अभी भी यही बोलूँगा कि पे मत करो गाइस, किसी भी चीज़ के लिए भी पे मत करो, क्यों, क्योंकि मैं अक्सर बोल रहा हूँ मैंने कभी पे नहीं किया, मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ लर्न किया, जो कुछ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने वीडियो से सीखा, वीडियो को समझा, वीडियो से जाना, वीडियो को समझा और बताया वीडियो में कि काम क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आज हम YouTube से भी कमा रहे हैं अच्छा खासा और क्लाइंट से भी कमा रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं और बहुत सारे पेजेस हैं रन कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर सकते हो, बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है ये, ठीक है, आप कर सकते हो और बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि कोई माँ के पैर से सीख के नहीं आता,
हर किसी को यहीं पे सीखना होता है। और मैं बताना चाहूँगा, ये वर्जन एप्लीकेशन जो होती है वो जो बेस कलर जो होता है रूट से लेकर एंड तक एक ही करो, ठीक है। जो वर्जन की एप्लीकेशन कर रहे हो आप, जैसे आपको फैशन शीट चाहिए तो आप उसको छोड़ती रहो, दो बार एप्लीकेशन कर सकते हो। जैसे कि 15 मिनट लैंड पे छोड़ दिया, फिर 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आपने 20 मिनट बाद रूट पे लगा दिया 20 वॉल्यूम से, 30 और 40 वॉल्यूम जो होगा उसे ब्लैंड पे लगेगा। रूट के पास मत लगाना वरना बर्निंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस, वरना बर्निंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा और इतना जलेगा ब्लैंड सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, आप इचिंग करेगा स्कैल्प के बाद, ठीक है। और अगर क्लाइंट को सपोर्ट किसी क्लाइंट को इचिंग होता है या फिर आपको रूट्स ड्राई हैं उनके, पूछ लेना क्लाइंट को या फिर देख लेना आप लोग कि रूट्स ड्राई ना हो, वरना 20 वॉल्यूम से भी इचिंग होती है। अगर रूट्स ड्राई है रूट्स को कोशिश करना ज़्यादा मत सुखाओ, ठीक है, 20% या फिर 30% वेट रहने देना, मॉइस्चर रहने देना उसके अंदर, क्योंकि फिर रूट के पास जब कलर लगेगा ना वहाँ पे ज़्यादा इचिंग नहीं होगी, ज़्यादा जलेगा नहीं क्लाइंट को, क्लाइंट बोलेगा नहीं क्या हो रहा है मेरे सर पे, चल क्यों रहा है, इचिंग क्यों हो रही है, पहली बार हो रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, बोलेगा नहीं, आपको वो कमी महसूस करने देनी नहीं, ठीक है। आप जब भी आपके पास क्लाइंट एंट्री करे तो कोशिश यही करना गाइस कि अपना 100% अपना आप लोग 100% ही देना, ठीक है। 100% आप दोगे ना तो क्लाइंट बहुत खुश होकर जाएगा, आपका नाम लेकर आएगा कि हाँ भाई मेरे को इसी बंदे से काम करवाना है, मेरे को इसी बंदे से काम कराना है, मेरे को और किसी से करवाना नहीं चाहता मैं, ठीक है। उसी चीज़ में मज़ा है, उसी चीज़ में हकीकत में मज़ा है गाइस। तो आप यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो लाइक करना, शेयर करना और नीड और क्लीज सेक्शन में काम करना और नीड और एप्रेंट पहन लेना, एप्रेंट पहन के काम करना अगर आप प्रेशर हो तो। और मैं ब्लू ड्रायर के पर वीडियो लेने लाने वाला हूँ कि गर्ल्स आउट बिग राउंड पर से कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल राउंड ब्रश से कैसे करते हैं, या फिर अगर आप सबसे स्मॉल ब्रश से गर्ल्स देखना चाहते हो तो ये भी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। तो अब आफ्टर का रिजल्ट आने वाला है गाइस, ये मैंने पूरा ग्लोबल कलर कर दिया है, मैंने बांध दिए बालों को, टाई कर दिया है और ये क्लाइंट को देखो फेस पे नहीं लगा, कान के ऊपर भी नहीं लगा कलर, समझ लो ना गाइस, ऐसा काम करना है आपको। ये मैंने वॉश कर दिया, आप देखो गाइस कितना अमेजिंग कलर आया है और बालों में कितनी शान आई है। ये मैंने सिर्फ सुखाया है, स्ट्रेट ड्रायर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुखाया गाइस और कंडीशन किया है, वॉश किया, सिर्फ सुखाया ड्रायर से, स्ट्रेट ड्रायर बिल्कुल भी नहीं किया और शाइन देख सकते हो कितनी अमेजिंग शान आई है। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, बताना कैसी लगी वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। आंसर कुछ देगा जैसे क्या क्लाइंट ने हिना तो नहीं लगा रखी, अगर हिना लगा रही है तो कितने सालों से लगा रही है, उनसे आप उस चीज से आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट को एक्चुअली में क्या कलर सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोज अगर आप ब्लीच कर रहे हो बालों में, हाइलाइटिंग यूज कर रहे हो, आप ब्लीच कर रहे हो, ब्लाउंडर ब्लीच कर रहे हो, ठीक है, या फिर ब्लाउंडर कर रहे हो, सबका नाम एक ही है, तो आज यूज करता है कोई मेल्ट करता है, कोई बैरी मेल्ट करता है, कोई मिश्री रहते हो 2:1 रखता है, 1:2 रखता है, कोई 1:1 रखता है, ठीक है। जैसे कि मैं 1:1 रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरे को कलर जो है फास्ट चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है कलर करने के लिए, मतलब इसमें बाल ड्राई एंड डैमेज हो रहे हैं लेकिन कम हो रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं ना तो कोशिश करो 20 वॉल्यूम से ही काम करने के लिए, 40 वॉल्यूम को जब भी हाथ लगाओ जब आपके पास क्लाइंट डाई कलर वाले बाल ला रहा है, ठीक है। अगर डाई कलर वाले बाल नहीं आ रहे हैं उनको फैशन शेट चाहिए तो डायरेक्ट कर दो 40 वॉल्यूम से 60 वॉल्यूम से डायरेक्ट कर दो, आ जाएगा रिजल्ट, क्यों आ जाएगा, फिर क्लाइंट के जो बाल है वो बाल पहले बेस चेक करो, बाल कितने नंबर के हैं क्लाइंट के बाल, अब जैसे इनके इनके 4 नंबर के बाल थे, ठीक है, इन्होंने कोई बेस चेक नहीं ले रखा था, कोई कुछ नहीं लगा रखा था, नॉर्मल के नीचे एंड में हाइलाइटिंग हो रखी थी। अकीना अगर आपको समझ में नहीं आई वीडियो, समझ में नहीं आ रही हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप रिपीट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप सही से समझोगे तो इस वीडियो को देखने के अलावा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ मैंने भी वीडियो से सीखा, मैंने कभी कोर्स नहीं किया गाइस, मैंने वीडियो को देखा, वीडियो को समझा, वीडियो से सीखा, वीडियो से ही आज कमा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि वीडियो से सीखो,
और ज़्यादा कोर्स वोर्स के पीछे मत भागो, पैसा वेस्ट मत करो अपने मम्मी पापा को, कि आप लोग भी बहुत मेहनत से कमा रहे हो, अगर डिपेंडेंट हो इनडिपेंडेंट हो, किसी से बोझ नहीं हो, आप कमा रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो तो कमाने के लिए निकल रहे हो, वो पैसा वेस्ट मत करो, क्योंकि वो पैसा वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग कुछ अच्छा चीज़ें ले सकते हो उस पैसे से, ठीक है, पैसा वेस्ट मत करो और कोर्स के पीछे मत भागो, कोर्स के पीछे भागना चूतिया बनती है, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है एग्जैक्ट वही हो रहा है, वही हो रहा है जो कोर्स में बताया जा रहा है वीडियो के अंदर। तो आप लोग प्लीज़ ये मत कीजिए, जो भी सीखना है जो भी समझना चाहते हो वीडियो से समझ सकते हो। तो हमारी ऑलमोस्ट हो चुका है सेक्शन, ठीक है गाइस, अब मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि आप जब आप कलर कर रहे हो, ठीक है, कम कम सेक्शन में कलर करना, और मैं इधर डायरेक्ट टू के वास्ते एप्लीकेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ईवन कलर चाहिए और मेरे को ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं चाहिए था, एक लेवल लिफ्ट चाहिए था बस, इनको ब्राउन की टोन देनी थी और वर्जन हेयर थे, तो वर्जन हेयर में हेयर है आपके पास तो आप इस पर डायरेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम और कोई रिक्स नहीं आएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग वर्जन हेयर में काम करेंगे, ठीक है, वर्जिन हेयर पे काम कर रहे हो, नेट काम कर रहे हो, क्लीन काम कर रहे हो, क्लाइंट के फेस पे कलर नहीं लग रहा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना इसके अंदर, मैं जब कलर ले रहा हूँ, मैंने अपनी कॉपर वाली वीडियो पे भी जिस पे 5.4 कलर किया है कॉपर, मैंने रेसिंग वीडियो डाल दिए मैंने, ठीक है, आप वो देखना समझना उस वीडियो को, कि उसमें जो कलर है उसकी जो कलर की एप्लीकेशन है उसमें मैंने 1 इंच छोड़ा है, 1 इंच क्यों छोड़ा है, किसने छोड़ा है उसको मैं बता रखा उस वीडियो में, आप जाके विजिट करना और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ऊपर आई बटन भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके आई बटन भी दे सकते हो और थंबनेल भी मैंने एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको, आप ऐड पर जाकर देख सकते हो कि दो आपके पास आइकन आएंगे उसमें से वीडियो वो होगी और क्लिक करना उस वीडियो को।